हेलो एवरीवन, माय नेम सोनम संधू एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि लिसनिंग में बैंड 9 ही लाने हैं हमें हर बात पर कैसे। तो 40 आउट ऑफ 40 लेके आना लिसनिंग मॉड्यूल में मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस आपने कुछ ही चीजों का ध्यान रखना। सो गाइस, इसी वीडियो में मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल में, और मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है हर एक लर्नर के लिए, चाहे वो एकेडमिक हो या जीटी हो। बिकॉज बैंड 9 अगर लिसनिंग में आते हैं तो आपका ओवरऑल बैंड स्कोर भी तो इम्प्रूव होगा ना। रिक्वायरमेंट की बात अगर हम साइड में भी कर दें तो ओवरऑल बैंड स्कोर बेटर होगा, तो वीजा प्रोसेसिंग भी उतनी ही इजी हो जाएगी। तो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, इट मोटिवेट्स मी टू वर्क इवन हार्डर। सो स्टार्ट करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल। गाइज, यू ऑलरेडी नो कि लिसनिंग मॉड्यूल में टोटल होते हैं हमारे 4 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट। इसमें से पार्ट 1 एंड पार्ट 3 जो है, इन दोनों पार्ट्स में कॉन्वर्सेशन होती है, ठीक है। पार्ट 1 में भी एंड पार्ट 3 में कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है जिस भी किसी पर्टिकुलर टॉक में दो लोगों से ज्यादा इन्वॉल्व हो, या तो दो या दो से ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो वो एक कॉन्वर्सेशन होती है, बात चीत होती है। आप अकेले तो कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं बना सकते ना, अकेले अगर आप बात कर रहे हो तो वो तो एक मोनोलॉग होता है, या फिर उसे लॉन्ग स्पीच बोल सकते हैं। सो इन पार्ट 1 एंड पार्ट 3 हमारे पास क्या होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 3 में वी हैव कॉन्वर्सेशन, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि पार्ट 1 में कौन कौन बोल रहा है एंड सिमिलरली पार्ट 3 में कौन कौन है या कौन बात करने वाला। इन अ सिमिलर मैनर पार्ट 2 एंड पार्ट 4 भी एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। पार्ट 2 एंड पार्ट 4 में हमारा मोनोलॉग होता है, मोनोलॉग का मतलब होता है लॉन्ग स्पीच, जब एक ही पर्सन को स्पीच डिलीवर कर रहा है, जब एक ही पर्सन बोल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मोनोलॉग, ठीक है। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 3 में इतना तो क्लियर है कि दो से ज्यादा लोग होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे। सो कॉन्वर्सेशन है तो बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं। बट इन पार्ट 2 एंड पार्ट 4 मोनोलॉग। बट अगर हम यहाँ पे इजी या डिफिकल्ट की या डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। हाउएवर द सीक्वेंस इज चेंजिंग दीज डेज, एंड जिस पे पार्ट में एमसीक्यूज आ गए, मैचअप्स आ गए, मैप्स आ गया, वो डिफिकल्ट है। और अगर फॉर्म कंप्लीशन फिलअप्स आ गए तो वो इजी है एज कंपेयर टू द वंस विद एमसीक्यूज, क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस, मैचअप्स एंड मैप्स। सो हमने करना क्या है, डे 1 से ही हमने हर एक चीज का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 2 लिसनिंग टेस्ट का डे तो करो। लास्ट के डेज में ये जो 2 टेस्ट का डे वाली है ना, ये खाली हमें फर्स्ट वीक पे फोकस करना है, खाली एक हफ्ते के लिए 2 टेस्ट करो रोज। तब तक आपको हर एक चीज की क्लैरिटी हो जाएगी एंड डे 8 ऑनवर्ड्स यू कैन सिंपली प्रैक्टिस 1 लिसनिंग टेस्ट। जो भी चीज मैं आपको बता रही हूँ ये मैं अपने ऊपर खुद फॉलो कर चुकी हूँ एंड आई हैव स्कोर्ड बैंड 9 इन लिसनिंग मॉड्यूल। सो जब हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो रोज हम 2 टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें हर एक क्वेश्चन टाइप भी अच्छी तरह पता चल जाए, हर एक क्वेश्चन टाइप को समझो। सो लिसनिंग में खाली 2 ही चीजों पे फोकस करना है, एक तो हमारे लिसनिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, वी शुड लिसन टू द ऑडियो केयरफुली, ठीक है। एक हमें कीवर्ड्स अंडरलाइन करने, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑडियो पे ध्यान से सुनना है, वी नीड टू लिसन केयरफुली, और एक मार्क द कीवर्ड्स, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अगर कीवर्ड्स प्रॉपरली अंडरलाइन नहीं करे तो अगेन हमें प्रॉब्लम आएगी। सो लिसनिंग मॉड्यूल कैन ओनली बी इम्प्रूव थ्रू दीज 2 थिंग्स। अब इन दोनों चीजों को इम्प्रूव कैसे करना है, लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, मतलब कि आपको ज्यादा इंग्लिश में सुनना चाहिए, यू शुड वॉच इंग्लिश मूवीज। उतना टाइम भी नहीं होता बहुत बार एक आईएलटीएस स्टूडेंट के पास, बिकॉज बहुत बार प्रैक्टिस करनी होती है, बट ऐसा नहीं है, एवरी सैटरडे यू कैन वॉच एटलीस्ट 1 इंग्लिश मूवी। एंड अलॉन्ग विद डैट रोज एक शेड्यूल बनाओ कि यू शुड लिसन टू द पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट होते क्या है, अगर आप कुछ कॉन्वर्सेशन की ऑडियोज होंगी है ना, कुछ ऑडियोज हैं जिसमें लोग बात कर रहे हैं, डैट्स पॉडकास्ट, ओके। सो आपने स्पॉटिफाई को इंस्टॉल करना है और स्पॉटिफाई पे जाके आप इजिली पॉडकास्ट सुन सकते हो। आपको अलग अलग एक्सेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, कैनेडियन एक्सेंट एंड न्यूजीलैंड। सो अगर ये चारों एक्सेंट्स क्लियर होगी तो किसी के भी ऑडियो आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई वर्ड समझ नहीं आया। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस,
सो वन पॉडकास्ट अ डे, ठीक है, कोई शॉर्ट्स आप सुन सकते हो 15-20 मिनट्स का डेली सुनो, ठीक है। इंग्लिश मूवी देखो, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव कैसे होंगे, जब वो जो बोल रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है, आपको उसी टाइम पे ध्यान से सुनना है और हर एक चीज को समझना है। सो द नेक्स्ट थिंग हियर इज कीवर्ड्स। पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग, दूसरी चीज है कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या है यार, देखो कंटेंट वर्ड, कोई नाउन, प्रॉपर नाउन या नंबर, नाउन प्रॉपर नाउन या नंबर। हमें ये कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना कि कोई भी वर्ड अगर ब्लैंक से पहले है उसे तो जरूर अंडरलाइन करना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉपर नाउन पे फोकस करो या ब्लैंक से पहले वाले वर्ड पे फोकस करो। आप सोचो कौन से वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है जिनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन का पूरा मीनिंग समझ आ रहा है, बस वही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सर्कल करो एंड देन लिसन फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो लिसनिंग मॉड्यूल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपने सुनना है ध्यान से और सुनते सुनते समझना है। I have seen and I have experienced the same on myself. If you listen carefully and even if you have missed one or two questions, you can get your desired band scores. Easily 8-8.5 आ सकते हैं अगर एक दो questions miss भी हुआ है या कुछ हुआ है, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हो, आपके mind में तो वो चीज़ है ना। So you just need to understand a particular part. Specific keywords पे focus करो और जैसे ही वो specific keyword आता है तो ध्यान से सुनो, सो डेट आपको आंसर बिल्कुल अच्छी तरह मिल जाए। सो दिस इज वॉट यू नीड टू फोकस ऑन। अभी तक मैंने जो बताया आई बिलीव आपको क्लियर होगा, बट इन द क्रक्स लास्ट में अगर मैं बात करूं तो लिसनिंग में खाली दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है कि आपको एक्सेंट समझ आना चाहिए और दूसरा है कि आपको कीवर्ड सर्कल करने हैं। हम अगर फिलिप्स की बात करें तो फिलिप्स के ब्लैंक से पहले वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार ब्लैंक के बाद वाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको वर्ड की फॉर्म पता होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर वर्ड नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। लेट्स से जहां पे ब्लैंक है फिलिप्स में वहां पे एक वर्ड आना है, पर अगर आपको पता ही नहीं है कि वो वर्ड क्या हो सकता है, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, वर्ब होगा, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर प्रॉपरली। सो बेसिक्स आपके क्लियर जरूर होना चाहिए, बस दिस इज द वे यू नीड टू डू। एंड एक चीज और ध्यान देना लास्ट में कि जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है, जो जिन भी क्वेश्चंस के सबसे ज्यादा आंसर्स गलत होते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप के, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप पे ज्यादा फोकस करो। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर द सेम विद 10 फ्रेंड्स ऑफ योर्स। नहीं तो सिंपल है यार, अपने वीडियो के स्टेटस में लगा दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दो, सो डेट आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू नीड हेल्प इन एनी अदर आईएलटीएस टॉपिक, वी हैव क्रिएटेड हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस एंड ऑलमोस्ट कवर्ड एवरी टॉपिक इन आईएलटीएस। सो यू गो टू आवर होम पेज एंड देयर यू कैन सी मल्टीपल टैब्स ऑन टॉप ऑफ द स्क्रीन, एंड गो टू द प्लेलिस्ट टैब एंड देयर यू कैन सी देयर आर प्लेलिस्ट्स फॉर एवरी टाइप ऑफ वीडियो। देयर इज प्लेलिस्ट फॉर राइटिंग, देयर इज प्लेलिस्ट फॉर रीडिंग, देयर इज प्लेलिस्ट फॉर आइडिया जनरेशन। सो यू कैन चेक आउट व्हाट यू वांट एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स।